दिल्ली के खजूरी का क्षेत्र की सामाजिक संस्था सर्व समाज सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया और इस अवसर पर छोटे बच्चों को मिठाइयां और गिफ्ट देकर उनका मनोबल बढ़ाया। दरअसल सर्व समाज सेवा ट्रस्ट संस्था पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य कर रही है, जिसमें बच्चों की शिक्षा के अलावा लॉकडाउन में गरीबों की मदद भी शामिल है। पेश है हमारे दिल्ली के संवाददाता अब्दुल गफार अंसारी की एक खास रिपोर्ट। नाम सरोज बाला राठी, मैं सर्व समाज सेवा ट्रस्ट चलाती हूँ। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा जो हिंदुस्तान है और आजकल जो इसमें दो चेहरे लेकर जो लोग चल रहे हैं ना, हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तान की बात नहीं करते, बात करते हैं किसी और दूसरी कंट्री की। मैं कहना नहीं चाहूँगी, खैर मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना कि जिस थाली में खाता है इंसान, उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए, है ना। और हमारी पैदाइश यहीं की है, हमारा गुजर बसर भी यहीं पे होने वाला है और हमारी आने वाली भी पीढ़ी यहीं पे रहने वाली है, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता लोग किस कारणवश ये ऐसा कुछ मेंटलिटी रखते हैं। और जो 15 अगस्त है हमारा, आज बच्चों का प्रोग्राम रहा है, ये जो छोटे छोटे बच्चे आ गए फ्यूचर है बच्चों का, तो ये है कि देखो आज हमने पहले तो अपना ये झंडा फहराया है, उसके बाद हमने बच्चों का रखा है, एक प्रतियोगिता रखी है बच्चों की। जैसे लॉकडाउन से बच्चे घर के अंदर रहते हुए एक बोरियत महसूस बच्चों को हो रही है, और प्रतियोगिता में हम एक डांस का प्रोग्राम बच्चों का रखेंगे। दो ग्रुप बनाए हमने, एक तो बहुत छोटे बच्चों का, एक थोड़ा 14-15 साल तक के बच्चों का है, 12 साल से लेकर 14-15 साल तक के बच्चे उसका ग्रुप है। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तरह के हम इसमें इनाम हमने रखे हैं, जो इसमें प्रतियोगिता में बच्चे पास होंगे उसे हम सर्व समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से सर्टिफिकेट देंगे, और कुछ अलग और भी इनाम हमने कुछ रखे हैं उसके साथ में, वो भी इनाम देंगे।